दोस्तों, हम सभी में से कोई ही ऐसा शख्स होगा जिसने कैलाश पर्वत के बारे में नहीं सुना होगा। जी हाँ, कहते हैं कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं, और कहते हैं कि यह एक चमत्कारी पर्वत है और बहुत सारे रहस्यों को अपने में समेटे हुए है जिसकी महिमा अनुपम है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को धर्म का प्रतीक भी माना जाता है, और इसकी मान्यता है कि ये पर्वत जो खुद में एक चमत्कार है, जिसे अजय पर्वत भी बोला जाता है, क्योंकि कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसके शिखर का अब तक कोई पता ही नहीं कर पाया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश के अंदर एक जिंदा शहर है, तो कोई मानता है कि कैलाश अंदर से खोखला है। तिब्बत के लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि कैलाश पर सारे सिद्ध पुरुष महात्मा ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं। और 2015 में एक बार फिर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ में सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च की। नासा के वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत में जो आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। आखिर क्यों यहाँ ना तो कभी कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जा सकता है और ना ही जहाज। रिसर्च के दौरान गूगल अर्थ द्वारा जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल के होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना है। नासा ने दावा किया है कि उन्होंने गूगल के द्वारा कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देखा है। आखिरकार इन सारे रहस्यों का असली सच क्या है, चलिए आज की इस वीडियो में पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैलाश पर्वत के पहले रहस्य के बारे में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैलाश पर्वत को धरती का एक्सिस मुंडी रीजन माना जाता है। एक्सिस मुंडी रीजन एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का केंद्र। कैलाश पर्वत पर भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया मिलकर एक हो जाती है। कैलाश पर्वत की एक अजीब बात यह भी है कि कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी 6,666 किलोमीटर है और कैलाश पर्वत से साउथ पोल की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ पोल से दूरी का ठीक दो गुना है। और कैलाश पर्वत फिलहाल चीन में स्थित है तथा वर्ष 1962 से पहले यह भारत का हिस्सा था। लेकिन जब 1962 चीन ने भारत पर अचानक हमला कर दिया था, उसी समय भारत देश को अंग्रेजों से आजादी प्राप्त हुई थी। मात्र 15 ही साल हुए थे भारत को आजाद हुए, लिहाजा भारतीय सेना यह युद्ध नहीं जीत पाई थी और तत्कालीन भारतीय सरकार भी कैलाश क्षेत्र के प्रति उदासीन थी। उस सब का फायदा उठाते हुए चीन ने भारत की लगभग 43,000 वर्ग मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसमें कैलाश पर्वत सहित संपूर्ण तिब्बत क्षेत्र आता है। दोस्तों, वर्षों तक कैलाश पर्वत पर बहुत शोध किया गया। उनके अनुसार कैलाश पर्वत पर एक विशाल, बिल्कुल मिस्र के पिरामिड के समान है, लेकिन यह मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है, जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर रहस्यमय और आधुनिक औजार हो सकते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया के होने के भी दावे किए गए हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत के अंदर एक उन्नत सभ्यता रहती है जो कैलाश पर्वत के मौसम को कंट्रोल करती है और खुद को संरक्षित करती है। और एक बात जो इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती है वो है यहाँ पर दिखने वाली येति, यानी हिम मानव की, जिसे यहाँ कई बार देखे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिनकी पहचान प्राचीन आदि मानव से की जाती है। दोस्तों, जब बात येति की आ ही गई तो येति से रिलेटेड वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। वहीं 1962 के युद्ध के बाद कैलाश क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद चीन काफी उत्साहित था और उसने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया। और आज से 22 साल पहले सन 2001 में चीन ने स्पेन व रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अंतिम बार कोशिश की थी। वो टीम कैलाश पर चढ़ने में सफल तो ना हो सकी, परंतु जो अनुभव उन्होंने बताया वह हैरान करने वाला था। टीम को लीड करने वाले कर्नल आरसी विल्सन ने बताया था कि जब हम कैलाश पर चढ़ने का सीधा रास्ता खोज लिए थे और जैसे ही हम उस पर आगे बढ़े तो बर्फ की भीषण बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फ ने उस रास्ते को ही बंद कर दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो वैज्ञानिक रिसर्च से ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, जो कि आज तक संभव नहीं हो पाया है। और होगा भी कैसे, क्योंकि महादेव जी की मर्जी के बिना आखिर कौन उनके घर में घुस सकता है। अब वहीं चीन ने हर बार असफल रहने तथा वैज्ञानिकों से मिले तथ्यों की वजह से सन 2000 के बाद उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए रोक लगा दी। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत संसार का सेंटर पॉइंट है तथा कैलाश पर्वत एक ओर से क्रिस्टल, दूसरी तरफ से माणिक यानी रूबी, तीसरी तरफ से स्वर्ण यानी गोल्ड तथा चौथी तरफ से नीलम यानी कि सफायर का बना हुआ है।
कैलाश पर्वत से चार महान नदियों का उद्गम भी होता है, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा नदी। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग दिशाओं में बांटती हैं। दोस्तों, कैलाश का अगला रहस्य है, यहाँ समय बहुत तेजी से बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत पर समय की गति तेज हो जाती है, वहां पर समय तेजी से बीतता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई इस पर चढ़ नहीं पाया तो इस बात को कैसे मान ले कि वहां समय तेजी से चलता है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश करने वाले कई पर्वतारोही और रिसर्चर्स के द्वारा यह पाया गया कि कैलाश पर्वत के पास समय बिताने पर बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार साइबेरियन माउंट एरियास का एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निश्चित सीमा से ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन तुरंत ही वो सब कुछ दशक में बूढ़े हो गए, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा और एक साल के अंदर उन सभी पर्वतारोहियों की बुढ़ापे के कारण मृत्यु हो गई। और वैज्ञानिक इसका कारण अभी तक समझ नहीं सके। यह दोस्तों कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमय बनाता है। वहीं कैलाश पर्वत के पास ही दो झील स्थित हैं, जिनमें से एक को मानसरोवर झील और दूसरी को राक्षस ताल झील कहा जाता है। मानसरोवर झील 320 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। वहीं मानसरोवर झील का अर्थ है मान का सरोवर। हिंदू धर्म के अनुसार ये झील भी अत्यंत पवित्र झील है। इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता स्नान करने आते हैं और स्नान करने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील के दर्शन करने से और इसका जल पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैसे हिंदू धर्म में इस झील को क्षीर सागर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि क्षीर सागर को भगवान विष्णु का निवास भी माना जाता है। यहाँ से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी सारे संसार का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत से कुछ ही दूरी पर गौरीकुंड नाम की एक और झील भी है। माना जाता है गौरीकुंड के पास देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। दोस्तों, इस झील के दूसरी तरफ राक्षस ताल नाम की झील है, जिसका पानी बहुत अधिक खारा है। मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल झील को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि मौसम चाहे कितना भी खराब हो जाए, इस झील के पानी में कभी हलचल नहीं होती। इतनी विशाल झील के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसके विपरीत राक्षस ताल, जो इसके एकदम पास में स्थित है, इसके पानी में शांत मौसम होने पर भी हमेशा हलचल होती रहती है, लहरें बनती रहती हैं। मानसरोवर झील के ऊपर कई बार सुबह 3-4 बजे रहस्यमय रोशनी के गोले दिखाई देते हैं, जो कैसे बनते हैं इसका पता आज तक नहीं चल सका है। माना जाता है कि इस रोशनी के रूप में देवता झील में स्नान करने आते हैं। इसके साथ साथ इस झील के क्षेत्र में हमेशा ओम की ध्वनि और डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, जिसके स्रोत का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की है। जहाँ ध्वनि और प्रकाश के बीच समागम होता है, तब ओम की ध्वनि निकलती है, लेकिन ये ध्वनि सिर्फ साधु संत ही सुन पाए हैं। इसकी सतह पर बर्फ जमी रहती है, मानो उस पर ओम लिखा हो। ओम भगवान शिव का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद कोई पर्वतारोही कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की थी। मिलारेपा एक आध्यात्मिक संत थे, जिन्होंने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां तप भी किया। कहते हैं कि मिलारेपा कुछ क्षणों में कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच गए थे। इसके बाद वह विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, पर मिलारेपा ने भी खुद कभी इसकी पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर ये भी बताया जाता है कि रूस के एक पर्वतारोही सगरे सिसोदिया गो ने बताया कि जब वह कैलाश के नजदीक पहुंचे, तब उनका दिल जोरों से धड़कने लगा था, घबराहट भी हुई और अंदर से एक आवाज आई कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद वो सभी नीचे आ गए और उनका मन भी हल्का होने लगा। कैलाश पर चढ़ने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना पूर्ण रूप से असंभव है, क्योंकि कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है। साथ ही एक वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार कैलाश एक ग्रामीण जैसा है, जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कंपास की तरह काम करता है। आखिर ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि भगवान शिव की मर्जी के बिना ना तो इस पर कोई चढ़ पाया है और ना ही कोई चढ़ पाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तथा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,
ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।